केरला में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए रीवा नगर निगम ने बढ़ाया हाथ। ट्रक से भरी राहत सामग्री उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जून के पहले सप्ताह में भारत में मानसून की शुरुआत हुई थी। केरल में भारी बारिश के चलते बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई, जिसके चलते लाखों लोग बेघर हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कई अस्थायी शिविर बनाए गए हैं, जिसमें लोगों के खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। केरल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूरे देश से मदद भेजी जा रही है, जिसको देखते हुए रीवा नगर निगम परिवार भी उनकी मदद के लिए आगे आया और राहत सामग्रियों से भरा एक ट्रक रविवार को केरला के लिए रवाना किया, जिसे उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, महापौर ममता गुप्ता सहित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों के साथ सभी पार्षदों ने सहयोग राशि देने का काम किया, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खान पान समेत अन्य राहत सामग्रियां खरीदी गईं, जिसे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केरला के लिए रवाना किया गया। इसमें महापौर ने एक माह का, कमिश्नर और अधीक्षण अभियंता ने 15-15 दिन का वेतन दिया और इसी तरह नगर निगम के एसडीओ, सब इंजीनियर और समस्त सफाई कर्मचारियों ने भी अपना वेतन राहत सामग्री के लिए दिया। इसके अलावा इस काम में नगर निगम के पार्षदों ने भी अपना सहयोग दिया। नगर निगम रीवा ने आज एक मिसाल कायम की है। सुदूर राज्य केरल में जुलाई के प्रथम महीने में जो बाढ़ आई थी, तो बहुत ही जानलेवा थी। जान की भी क्षति हुई, माल की भी क्षति हुई और देश के कोने कोने से मदद की आवश्यकता वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए है, ये हम सारे लोग जानते हैं। नगर निगम रीवा ने पहल की, मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ कि आपने पहल की और अपने परिसर में ही अपने नगर निगम परिवार से ही आपने अपील की कि कोई एक दिन की तनख्वाह, कोई दर्द, जो कुछ भी दे सकता है उदार मन से वो दान दें, जिससे कि केरल के जो प्रभावित परिवार के लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनको मदद दी जा सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 8 लाख रुपए की सामग्री आज आप लोग ने दान के माध्यम से इकट्ठा करके गाड़ी में भर दिया है और इस गाड़ी को रवाना करने की के लिए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।